अजमेर उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने संभाग स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अलग अलग जिलों में मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, लेकिन अजमेर में संभाग होने के बावजूद यहाँ किसी भी मंत्री ने ध्वजारोहण नहीं किया। ऐसे में सरकार ने अजमेर की उपेक्षा की है, ये गलत है। साथ ही उन्होंने अजमेर पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की आरक्षित सीटों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। विधायक देवनानी ने कहा, कांग्रेस नेताओं को अभी भी कुर्सी का मोह नहीं छूटा है, ऐसे में वह जनप्रतिनिधियों को आरक्षित कुर्सियों को भी नहीं छोड़ते। अजमेर नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर कांग्रेस के नेताओं ने जबरन कब्जा जमा लिया, जिसके चलते उन्हें इस समारोह में अलग स्थान पर जमकर बैठना पड़ा। यह भी चिंताजनक है और सोचने वाली बात है। महत्वपूर्ण संभाग का केंद्र है, सदैव यहाँ पर वरिष्ठ मंत्री ही यहाँ पे ध्वजारोहण करते आए हैं। इस बार जिस प्रकार से अजमेर संभाग मुख्यालय की उपेक्षा की गई है, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए नए जिलों का तो ध्यान रखा, लेकिन पुराना संभाग केंद्र जिसका महत्व है, जिसमें कई जिले उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके इस तरह से उपेक्षा करना यह अनुचित है। मैं निश्चित रूप से इस निर्णय की आलोचना करता हूं, और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कांग्रेस से उनका सत्ता का द्वंद्व, उसका मद अभी भी नहीं छूटा है। आज जहां पर मेयर के लिए आरक्षित सीट थी, वहां पर कांग्रेस के दो नेताओं ने आकर के जिस प्रकार से बैठ गए, उस मेयर के आने के बाद भी स्थान नहीं छोड़ा, मेयर को पीछे जा कर के आगे की लाइन में पीछे जा कर के बैठना पड़ा। मैं समझता हूँ इस मोह से वो मुक्त हों, क्योंकि सत्ताएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन अपने अपने जो स्थान निर्धारित है उस पर बैठना शायद उचित रहता है। मैं समझता हूँ शायद ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।